नमस्कार दोस्तों, आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के रिव्यू में आपका स्वागत है। अब दोस्तों, इस फिल्म के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे पास कोई ऐसे शब्द है नहीं जिससे मैं इस फिल्म की तारीफ कर सकूँ। मतलब फिल्म शुरू से लेकर के अंत तक इतनी बेहतरीन है, इतनी जबरदस्त है, इतनी माइंड ब्लोइंग है, इतनी सुपर्ब है, इतनी एक्सीलेंट है, क्या कहा जाए इस फिल्म के बारे में। कहाँ बनती है आजकल ऐसी फिल्में और कौन बनाने की हिम्मत करेगा। सबसे पहले तो मैं आर माधवन को सैल्यूट करना चाहूंगा, उन्हें नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसी बेहतरीन फिल्म बनाई है। दोस्तों, भारत के महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक नाम्बी नारायण जी के जीवन पर आधारित ये फिल्म है। उनकी ये बायोपिक आप कह सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियर जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया, उस वैज्ञानिक का देश ने क्या किया, देश ने उनके साथ क्या सलूक किया, उस समय की सरकार ने उनके साथ क्या सलूक किया, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, उन्हें गद्दार कहा गया, उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। जब आप ये चीजें देखेंगे, आपके आंखों से आंसू निकलेंगे, आप इमोशनल हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि यार ये क्या हुआ ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे महान व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है क्या। जिस देश को, उस व्यक्ति को फूलों की माला पहना करके स्वागत करना चाहिए, जिसके सम्मान में नारे लगाने चाहिए, उस व्यक्ति के साथ ऐसा सलूक, बहुत इमोशनल फिल्म है दोस्तों, बिल्कुल इमोशनल कर देगी आपको। और आपको फील होगा कि क्यों देश ने उनके साथ ऐसा किया। मतलब कि ऐसी फिल्म बनाई है आर माधवन ने, और ऐसी फिल्म नहीं बनती है बॉलीवुड में आजकल। द कश्मीर फाइल्स के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दूसरी ऐसी फिल्म है जो आपको मतलब इमोशनल करेगी, आपको सच्चाई दिखाएगी, और वो सच्चाई दिखाएगी। आप नाम्बी नारायण के बारे में कितना जानते हैं, मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आप उनके बारे में सब कुछ जानेंगे। आप ये भी जानेंगे कि रॉकेट साइंस क्या होती है, मतलब फिल्म नॉलेजेबल भी है। और फिल्म में जिस प्रकार से एक ऐसे इंसान पे आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें गद्दार ठहराया जाता है, और फिर किस प्रकार से उनकी हिम्मत देखी है, किस प्रकार से वो अपना केस लड़ते हैं, किस प्रकार से वो सर्वाइव करते हैं। अगर उनकी जगह और कोई व्यक्ति होता तो शायद वो इस दुख में सुसाइड भी कर सकता था, लेकिन किस प्रकार से वे संघर्ष करते, अपनी लड़ाई लड़ते हैं और फिर जीतते भी, अपना सम्मान भी वापस प्राप्त करते हैं। जिस तरीके से ये फिल्म बनाई गई है, जिस प्रकार से दोस्तों इस फिल्म को लिखा गया है, और ये सारे काम आर माधवन सर ने किया है। फिल्म को उन्होंने लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है, और एक्टिंग भी की है। और दोस्तों, जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको केवल आर माधवन याद रहते हैं, मतलब आर माधवन भी याद नहीं रहते, आपको सिर्फ नाम्बी नारायण याद रहते हैं। यही इस फिल्म की विशेषता है। हालांकि शाहरुख खान का भी कैमियो है, लेकिन मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, उनका कैमियो है, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से आर माधवन की फिल्म है। दोस्तों, फिल्म देखने के बाद आपको नजर नहीं आते आर माधवन कहीं भी नजर नहीं आएंगे आपको, आपको केवल नाम्बी नारायण दिखेंगे। और यही एक कलाकार की विशेषता होती है कि जब वो उस कैरेक्टर में इतना डूब जाए कि आपको वो कलाकार याद ही नहीं रहे, आपको केवल जिसका वो रोल प्ले कर रहा है, जिस कैरेक्टर को वो जी रहा है वो दिखाई दे, तो वो उस कलाकार की सबसे बड़ी जीत है। और आर माधवन ने ये काम इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी खूबी के साथ किया है कि आप उनके कायल हो जाओगे। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने लुक में आने के लिए अपनी मेहनत की है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना वजन बढ़ाया है, 10-10, 12-12 घंटे तक वो मेकअप करते थे इस लुक में आने के लिए। इसके बाद में उन्होंने अपना जबड़ा भी तुड़वाया है उनके लुक में आने के लिए। और फिर उनकी आप एक्टिंग देखिए, कमाल कमाल है आर माधवन। मैं उनको बार बार सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई, इतनी अच्छी फिल्म बनाई, और इतनी अच्छी तरह से इस कैरेक्टर को जिया है। दोस्तों, फिल्म के जो VFX है बहुत ही बेहतरीन है, डायलॉग्स बहुत अच्छे है, स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है कि आप सीट से बंधे हुए रह जाते हैं। आप उठना नहीं चाहते, आप और कुछ सुनना नहीं चाहते, बस आप ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, ये व्यक्ति आगे क्या करता है, इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। मतलब इतना टाइट स्क्रीन प्ले फिल्म का है। कुल मिलाकर के ये फिल्म इतनी अच्छी है कि इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा जाना चाहिए। और अगर ये ऑस्कर अवार्ड नहीं जीतती है तो ये फिल्म की हार नहीं है, ये ऑस्कर देने वालों की हार होगी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। इतनी बेहतरीन फिल्म है, अगर आप ये फिल्म नहीं देखते हैं तो शायद फिल्म के कलेक्शन पे जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन आप बहुत कुछ मिस करेंगे। मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं और अगर आप ये फिल्म नहीं देखते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती है, बहुत कम बनती है ऐसी फिल्में। तो दोस्तों, बहुत लाजवाब फिल्म है, बहुत गजब फिल्म है,
बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और देश के बारे में फिल्म है, एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है, एक महान व्यक्ति की जीवनी है। और ऐसी जीवनियां कौन बनाता है, ज्यादातर जीवनी जो बायोग्राफी बनती है वो किसी सिने स्टार की या स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बनाई जाती है, लेकिन ये महान वैज्ञानिक की बायोग्राफी है और उनकी सच्चाई जो हमें पता ही नहीं थी वो हमें दिखाती है और इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि आप दंग रह जाते हैं। साथ में नॉलेजेबल फिल्म भी है, रॉकेट साइंस के बारे में भी आपको बहुत कुछ सीखने को इस फिल्म के द्वारा मिलता है। दोस्तों बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बेहतरीन फिल्म है, मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, बहुत इमोशनल फिल्म है, आपको रुलाएगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि एक सरकार ने एक ऐसे महान वैज्ञानिक के साथ जिसको देश पर गर्व होना चाहिए उसके साथ क्या किया। बहुत सारे सवाल ये फिल्म उठाती है और उनके जवाब भी आपको देती है। देखिए दोस्तों इस फिल्म को सपोर्ट करिए, जरूर सपोर्ट करिए इस फिल्म को, इस फिल्म को आपको जरूर देखना चाहिए, हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए, मेरा ये कहना है। और जहाँ तक रेटिंग की बात है, 5 स्टार आउट ऑफ 5 तो इसकी रेटिंग बनती है, मैं तो इसको अगर 5 में से 10 स्टार दे सकता तो मैं तो इसको 10 स्टार भी देता। एक्सेलेंट मूवी, जरूर देखिएगा दोस्तों अगर आपने नहीं देखी है तो, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसे लगी। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।